कहा किसान भाई तो अरे किसान दादा तेरा घोड़ा ये खट की आवाज से पानी नहीं पी सकता तो मेरा घट चलाओ घट जो चला है उसको बोलो नहीं और सब मिलता है तो करते नहीं इससे हमारी तरफ से भी डिमेरिट्स है इस बात का हम भी अपने लोग को अपने को डरना चाहिए जो आता है तो ठीक से उसको हम अपने लोग को लेके इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी बहुत डिमेरिट्स है प्रकार से सोच रहे हैं उस प्रकार से एफपीओ का काम होने से ही उसका फायदा हो अन्यथा एफपीओ का भी उसी प्रकार का हश्र होगा कि जिस प्रकार से हम नहीं चाहते हैं एफपीओ बन गई आपकी 300 लोगों की एफपीओ बन गई और एफपीओ का हर सदस्य अगर इस प्रकार से जागरूक नहीं होगा सक्रिय नहीं होगा तो वो एफपीओ का कुछ मतलब नहीं होगा कुछ साल के बाद में जो 3-4 लोग चलाने वाले उनके हाथ में सब सूत्र चले जाएंगे और वो 3-4 लोग अपने मन मर्जी के अनुसार उस एफपीओ को चलाकर उसको जो भी करना है वो तो इसलिए एफपीओ करते समय हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसमें हर सदस्य उतना ही सक्रिय है क्या नहीं इसलिए मेरा तो सुझाव ये रहेगा इसमें कि बड़े एफपीओ के चक्कर में हमको ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए करिए कुछ एफपीओ करिए यहाँ अच्छे कार्यकर्ता मिलेंगे किसान मिलेंगे वहाँ करना चाहिए करिए और वो सब के सब लोग सक्रिय रहे इसकी भी चिंता करते हैं मगर इससे तो अच्छा है कि हमारे गांव के स्तर पर अगर हम 25-30-50 किसानों का अगर समूह बना लें तो उस समूह के माध्यम से हम इसको चलाएं ये अनौपचारिक होगा इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा कुछ उसकी बातें नहीं होगी 50 लोग एकत्रित बैठते हैं विचार करते हैं अपना प्रोड्यूस को एकत्रित करते हैं कोई भी एक व्यक्ति उसको प्रोसेसिंग करके देता है मार्केटिंग के लिए जाता है और वो चलता है इस प्रकार की अगर अनौपचारिक व्यवस्था हमारी खड़ी हो जाएगी तो ज्यादा अच्छा है बहुत ऐसी हम देखा है कि भारत सरकार ने 75,000 करोड़ रुपीज 10 ईयर्स देंगे किसान तो अभी लगभग 61,000 रुपीज भेज रहे हैं क्या नहीं तो अभी भी 14,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है उनके हिसाब से तो अगर इस रुपये से अगर हर ब्लॉक में एक बराबर कोल्ड स्टोरेज हो और हो सके तो एक पंचायत में जहां पर खेती बारी होती है वो उसमें से क्या होगा कि किसान स्टॉक कर सकते थे जैसे आलू का स्टॉक पर कोल्ड स्टोरेज ज्यादा नहीं है इसमें स्टॉक नहीं कर पाते प्याज जो वेरियस सब्जी है वो अगर स्टोर कर सकते हैं किसान तो ज्यादा लाभ देते इस बारे में क्या पास में स्कीम है हाँ। उसका इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है हाँ। और वो कौन करवाएगा वो करवाने के लिए हमारे संगठन की ताकत का उपयोग है आपका संगठन अगर वहां सशक्त है आपके कुछ उस प्रकार से बातें हैं तो उसके माध्यम से हमारे तहसील हमारे ब्लॉक के लिए जो स्कीम है वो लागू करने के दृष्टि से इसमें व्यक्तिगत रूप से भी कुछ स्कीमें आती है तो उसको भी लागू कर सकते हैं और वहाँ के डीएम से हैं ब्लॉक से हैं वहाँ से बात करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर सकते हैं इन सब बातों पर योजनाएं हैं प्रश्न है क्रियान्वयन कम ज़्यादा प्रमाण में उसमें जो भ्रष्टाचार होता है जो इम्प्लीमेंटेशन करने में उसमें जो दिक्कतें आती है वो उसकी समस्या है तो इसीलिए तो हमको संगठित होकर उसको योग्य प्रकार से उन स्कीमों को लागू करने का प्रयास करना लिए मूल में तो बात यही है कि हमारे संगठन वहां मजबूत करें किसान संघ के नाम जब हम इस प्रकार से किसान संघ को संगठित करेंगे तो इन प्रश्नों का भी हम
हम लूट सकते हैं। अगर मैं एक बात करूं, इससे ना होता है कांदा भी है, हर किसान को थोड़ा हेल्प देगा, उनको ट्रेनिंग कराएगा कि तुम यहाँ पे आओ, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा और बेटर होगा।